हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जिनका भी पार्ट वन का यानी यूजी के लिए पार्ट वन यानी 21 से 24 वाले सेशन और पीजी के लिए 21 से 23 वाले में पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो आपका रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन भी आपका ओवर हो चुका था, इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल हो रहा था यूजी के लिए। पीजी के लिए भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका रजिस्ट्रेशन ही छूट गया। इसको लेकर के लगातार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स विजिट कर रहे थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने इसके लिए डेट जारी किया और बताया कि 14 से 15 यानी आज और कल रजिस्ट्रेशन में छूटे हुए तमाम सारे स्टूडेंट्स को एक बार चांस मिला है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कल नोटिस भी आया था, मैंने नोटिस पर डिस्कस किया, आपको अमाउंट के बारे में बताया कि किस स्टूडेंट्स को कितना पे करना पड़ेगा, चाहे आप बिहार बोर्ड वाले हैं, अदर बोर्ड वाले हैं या फिर आप पीजी वाले हैं। पीजी वालों में भी ये भी सिचुएशन ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो पीजी में एडमिशन भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लिए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम सारे डिटेल्स के बारे में मैंने पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आखिर एक्चुअली में ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना कैसे है, समझ लीजिए प्रोसेस को। तो सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद आपको मिलता है एडमिशन एग्जामिनेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आकर के आपको आ जाना है फिल यूजी पीजी डिग्री एडमिशन फॉर्म पे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप इसके एडमिशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये आपका एडमिशन पोर्टल 2022 वाला है तो आपको किस पे विजिट करना है, 2021 वाले पे। ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्लिप पार्ट वन वाले या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी 2021 वाला लिंक को एक्टिवेट किया गया है तो आप अपना लॉगिन कर करके वो तमाम सारे डिटेल्स वगैरह को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऐसे करके यूजी पीजी, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको फिर फाइनली रीडायरेक्ट कर दिया जाता है 2021 वाला एडमिशन पोर्टल पे। यहाँ इस पोर्टल पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन जैसे ही करते हैं फिर आपका रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है, जो पेमेंट है, उसका ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाता है। सो एप्लीकेंट लॉगिन पे आकर के आप अपना यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूजर नेम पीजी वालों के लिए 21 टी करके होगा, वोकेशनल में 21 बी करके और वहीं नॉर्मल कोर्सेज में 21 जी करके होगा। इस तरीके से आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। जैसे ही आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड देकर के लॉग इन होते हैं आपका डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ रहेगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, तो आप रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। पेमेंट के बारे में मैंने कल भी बताया था, पेमेंट आपका कुल 861 रुपये लगेगा आपका बिहार बोर्ड वालों के लिए। जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ बिहार बोर्ड से और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो उनका लेट फाइन आपका 361 आपका है रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड 500 आपका है लेट फाइन। वहीं सीबीएसई वालों के लिए है आपका 461 रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड 500 आपका लेट फाइन, तो कर सकते हैं 961 रुपीज़ लगेगा आपको यूजी के लिए पार्ट वन के लिए जो सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आए। वहीं पीजी वालों के लिए टोटल फाइन लगेगा आपका, टोटल अमाउंट रहेगा 961 रुपये चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आएँ। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि जो भी स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कारण है कि ऑलरेडी उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके रख चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सिटी से एक बार ही होता है जो कि ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन में कंप्लीट हो चुका है और उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस से आपका उसी रजिस्ट्रेशन से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट था रिगार्डिंग द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी एंड यूजी रजिस्ट्रेशन, जिसका लिंक एक्टिवेट हो चुका था, जिसको मैंने ये छोटे से वीडियो में कवर अप कर दिया। गाइज वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।